मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा असाइनमेंट सीट जो फर्स्ट जो दी गई थी आपको, ठीक है, उसका सॉल्यूशंस आज हम दे रहे हैं आपको, ठीक है, जो डाउट्स आपके थे उसके हिसाब से। तो बेटा असाइनमेंट सीट अगर आपने देखा होगा तो जो आपके डाउट्स थे उसमें से 121 ये क्वेश्चन भी डाउट में था आपके, तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस जो थे तीनों के तीनों क्वेश्चन बेटा 121, 125 और 126 तीनों के तीनों क्वेश्चंस जिस टॉपिक पर बेस्ड थे बेटा वो टॉपिक था हेस लॉ। और आपको मालूम है हेस लॉ में क्या होता है कि डाटा इक्वेशंस दिए रहते हैं या कभी कभी हमें डाटा इक्वेशंस बनाने होते हैं, ठीक है ना। डाटा इक्वेशन इन तीनों क्वेश्चन में तो दिए हुए हैं और आपको एक मास्टर रिएक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 121 में देखो डाटा इक्वेशन है, तीनों दिए हुए हैं, तीनों के एंथैल्पीज दी है और आपको एक मास्टर रिएक्शन दिया है जिसके आपको एंथैल्पी निकालना है। वेरी इजी, तीनों क्वेश्चन उसी टाइप, ठीक है। तो देखो इधर मास्टर रिएक्शन आपके सामने, डाटा इक्वेशन भी आपके सामने, सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एन ओ टर्म्स देखना, पहले वाली है एन ओ टर्म आपको इक्वेशन नंबर वन में दिख रही है, साइड वही है ना, बराबर सेम साइड पे है और सामने पे कोई नंबर नहीं, इसलिए हमने इक्वेशन वन में क्या किया एज इट इज लिख दिया, ठीक है, एंथैल्पी भी उसके एज इट इज लिख। उसके बाद में बेटा ये वाला जो ये है क्या बोलना चाहिए सेकंड टर्म्स, ये आपको इक्वेशन थर्ड में दिखाई दे रहा है लेकिन किस साइड में, उसके अपोजिट साइड में दिखाई दे रहा है, बराबर। इसका मतलब इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो इक्वेशन थर्ड जो है उसको रिवर्स करना पड़ा। अच्छा, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, मतलब इस इक्वेशन को डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय टू भी कर दिया, इस इक्वेशन को रिवर्स कर दिया और डिवाइड बाय टू, तो ये टू था तो यहाँ से कट गया और यहाँ पे वन बाई टू लग गया, ठीक है। अब रिवर्स किया है इसका साइन चेंज जाएगा, मतलब -495 और डिवाइड बाय टू करके ना आंसर आ जाता है, बराबर। अब रही बात दोनों होगी, अब तीसरी टर्म, तीसरी टर्म तो ऑलरेडी हम लिख चुके थे, ठीक है। अब रही बात ओ थ्री, तो आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे ओ थ्री, ठीक है, ये जो तीसरा सेकंड जो इक्वेशन है उसमें ओ थ्री जो दिया है पहला, यहाँ पे ओ थ्री कहीं पे भी नहीं है, मतलब हमको मास्टर रिएक्शन में ओ थ्री नहीं चाहिए, ठीक है ना। और आपने इक्वेशन वन जो लिखा है उसमें ओ थ्री ऑलरेडी लिख चुके हैं आप, मतलब इसको कैंसिल करना पड़ेगा, इसका मतलब इस इक्वेशन को आप क्या करना पड़ेगा रिवर्स, ठीक है ना। इसको देखो इक्वेशन नंबर टू को हमने क्या कर दिया रिवर्स, इसको रिवर्स करके लिखा थ्री बाई टू ओ टू और ये ओ थ्री, ओ थ्री से ओ थ्री कट गया, बराबर। अब उसके बाद में अभी थ्री बाय ओ टू, ठीक है, अब आपने को क्या करें तीनों इक्वेशन लिख चुके हैं बेटा, इसको सॉल्व करके देख लीजिए कि बराबर मास्टर रिएक्शन पहले आ रही थी उसके हिसाब से कीजिएगा, ठीक है ना। सेकंड में रिवर्स किया है तो यहाँ जो -142 था वो क्या हो जाएगा +142, ठीक है। उसके बाद में ये प्लस, ये जो है प्लस ओ टू और ये हाफ ओ टू, इसको प्लस करेंगे बेटा, दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है ना, ये इसका वन और ये वन प्लस, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा टू प्लस वन टू, ये हो जाएगा बेटा थ्री बाई टू, ठीक है, इस तरह से बराबर, ठीक है, इस तरह से थ्री बाई टू होगा, बराबर है। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, उसमें से मैंने उसको कैंसिल कर दिया, जो टर्म्स कैंसिल होती है बेटा उसको कैंसिल कर दिया मैंने, एनओ को उतार लिया, इसको इस टर्म को उतार लिया और इधर एनओ टू को उतार लिया, मास्टर रिएक्शन हमारे आ गए और बाकी सब टर्म्स बेटा कैंसिल हो गए, इसका मतलब इधर के टर्म्स को हम प्लस करके आंसर ला सकते हैं। तो -199 ये इसका प्लस, ठीक है, पर ये माइनस वाली टर्म, तो माइनस वाले माइनस टर्म को दोनों साथ में लिखा, पहले उसका प्लस किया तो उसमें से प्लस वाली टर्म्स को माइनस कर देते, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर ए है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वेरी इजी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, ये भी सेम कंडीशन थी, दो मास्टर रिएक्शंस दिए, दोनों के एंथैल्पीज दिए और एक दो डाटा रिएक्शन है, दोनों के एंथैल्पीज है और फिर ये मास्टर रिएक्शन जिसके एंथैल्पी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब फाइंड आउट करना है, चलो ठीक है, अरेंज करते हैं। अब देखो बेटा इसमें देखिए तो मास्टर जो रिएक्शन में इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है सी ओ, ठीक है ना, मतलब एक कोबाल्ट है, ठीक है ना, ध्यान में रखने का, ये जो सर्कल जो दिया है बेटा छोटा दिया है, मतलब कोबाल्ट का साइन है, थ्री कोबाल्ट दिया है और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है टू कोबाल, ठीक है ना, बाकी और कहीं पर कोबाल दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसका मतलब यहाँ पे थ्री लाना है, तो क्या कर सकते हैं इसको अपन थ्री को लाने के लिए, ठीक है ना, इसको थ्री बाई टू करना पड़ेगा ताकि टू से टू कैंसिल हो जाए और थ्री आ जाए यहाँ पे, तो थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो इक्वेशन वन को देखो एज इट इज लिखा आपने, क्योंकि सेम साइड में थे दोनों और मल्टीप्लाई बाय थ्री बाई टू, तो देखो थ्री बाई टू टू, ये टू से टू कैंसिल हो गया तो थ्री सी ओ आ गया, ये थ्री बाई टू ऐसे रहेगा यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा और ये थ्री बाई टू टू, टू से टू कैंसिल होगा तो यहाँ पे थ्री आ गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो मास्टर रिएक्शन में ध्यान रखिएगा, बराबर है।
उसके बाद में आ गया बेटा O2 वाली टर्म्स, तो O2 वाली टर्म्स दोनों जगह पर है, तो जो टर्म्स दोनों जगह पर उसको तो हम हैंडल नहीं करते, उसको छोड़ दीजिए। फिर देखो ये तीसरी टर्म CO3O4, मतलब कोबाल्ट 3 दिया है, ऑक्सीजन 4 दिया है, बराबर है। अब इस केस में इस ठीक है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहिए सर, ऑक्सीजन 4 दिया है, बराबर है। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए ये वाली टर्म्स आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, इक्वेशन 2 में दिखाई दे रही है, सेम साइड में दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इस इक्वेशन यहाँ पे 2 नहीं है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, मतलब जब इस इक्वेशन को हम लिखेंगे बेटा तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 2। तो देखो इधर इक्वेशन 2 एज इट इज लिखा हमने, क्योंकि सेम साइड में था, और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो 2 कर दिया तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 1/2 हो गया और ये 2 निकल गया यहाँ पे, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2 कर दिया उसके एंथैल्पी को, एज इट इज थी इसमें -355 और डिवाइड बाय 2, माइनस एंथैल्पी सेम रखी क्योंकि हमने एज इट इज इक्वेशन लिया है, और डिवाइड बाय 2 कर दिया तो इतना, बराबर है। अब बेटा इसको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करते समय इधर का COO मतलब कोबाल्ट ऑक्साइड, अरे कोबाल्ट ऑक्साइड 2 से 2 कैंसिल हो गए थे, 3 और ये 3 दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। उसके बाद में बेटा इधर यहाँ से 3CO आ गया, ये 3CO यहाँ पे हमने लिख दिया, ½O2 और 3/2 दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा 2O2 आता, तो वो भी लिख दिया, ठीक है। देखो मास्टर रिएक्शन बराबर आ गई, और CO3O4 ये भी आ गया, मतलब मास्टर रिएक्शन एज इट इज आ गई, तो ये भी माइनस में टर्म्स थी, ये भी माइनस में थी, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया सीधा, देखो ये आंसर ए है इसमें, ठीक है ना, इसमें आंसर क्या आएगा, ए आंसर दिया हुआ है, वेरी इजी, ठीक है। अब बेटा ये 126 देखो, ठीक है, अब 126 जो है इसमें भी 3 मास्टर रिएक्शन मतलब डाटा रिएक्शन है, जिनों के एंथैल्पी दी है, और मास्टर रिएक्शन भी आपको दी हुई है, और आपको उसके एंथैल्पी उससे पूछा है, ठीक है ना, सेम तरीके से। तो देखिए यहाँ पे अब हम सबसे पहले किसको कंसिडर करेंगे, हमारा ये मास्टर रिएक्शन है C2O4, ये C2O4 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, थर्ड इक्वेशन में, है ना, इसलिए मैंने थर्ड इक्वेशन पहले लिखा। अब ये जिस साइड में बेटा उसके ठीक अपोजिट साइड में है, तो हमने उसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स करके लिख दिया, रिवर्स करके लिखने के बाद में बेटा उसके एंथैल्पी को साइन चेंज करके लिखा, ठीक है। अब उसके बाद में F2, अब F2 जो है बेटा दो दो जगह पर दिखाई दे रहा है, तो उसको मारो गोली, ठीक है ना, उसको नहीं करने का शौक, मतलब उसको कंसिडर नहीं करना फिलहाल। अब देखो नेक्स्ट CF4, अब CF4 कहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा आपको, इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे सेम साइड में है, तो देखो इक्वेशन 2 को मैंने एज इट इज रखा, और यहाँ पे सामने में 2 लाना पड़ेगा, इसलिए इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ये आ गया, ठीक है ना, तो सेम एज इट इज है, तो एंथैल्पी सेम रहेगी लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बेटा HF देखो, HF भी सेम साइड में है, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 2। तो देखो मैंने इक्वेशन 1 को एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो टर्म्स है, ठीक है ना, बराबर एज इट इज है, इसमें माइनस में मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व मतलब ऐड करना है ताकि हमको मास्टर रिएक्शंस मिले, तो 2C से 2C कट गया, 2H2 से 2H2 कट गया, F दोनों को प्लस कर दिया तो 6 आ गया, इधर देखो C2H4 यहाँ पर लिख लिया हमने, 6F2 लिख लिया, 2CF4 भी लिख दिया, 4HF भी लिख दिया, मतलब मास्टर रिएक्शन एज इट इज हमें मिल गई, मतलब यहाँ पे ये -52, ये वाली माइनस वाली टर्म, ये वाली माइनस, तीनों को हमें प्लस करना पड़ेगा, बराबर, तो बराबर आंसर आता है बेटा बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके डाउट असाइनमेंट शीट 1 का 129, ठीक है ना, यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने कवर किया है, पहले 129 देखते हैं, 129 और 130 बेटा ये सेम पैटर्न में है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को आप चाहे तो हेज लॉ के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा है फॉर्मेशन एंथैल्पी वाला जो फॉर्मूला था अपना, कि किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी को अगर निकालना है तो समेशन फॉर्मेशन एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस समेशन फॉर्मेशन एंथैल्पी रिएक्टेंट, ये जो फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो रिएक्शन के एंथैल्पी समेशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की फॉर्मेशन एंथैल्पी, इस फॉर्मूले के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैंने इसको हेज लॉ के थ्रू सॉल्व किया, जो पुराना जो अपना पैटर्न है, ठीक है ना, क्योंकि उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता था कि क्वेश्चन अगर दिया है इस तरह से तो आप हेज लॉ के थ्रू भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, इस वजह से मैंने इसको इस ढंग से सॉल्व किया पुराने मेथड से, और ये फार्मूले के हिसाब से सॉल्व किया, ठीक है। तो देखिए अब बेटा इसमें गिवन, इसमें देखो यहाँ पर फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है अमोनिया की, फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है NF3 की, फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है HF की, और आपको एक मास्टर रिएक्शन दे दिया और उसकी पूछा है आपको रिएक्शन एंथैल्पी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसे फॉर्मेशन एंथैल्पी दी थी, मैंने हरेक का डाटा इक्वेशन तैयार किया, हरेक का। तो देखो इधर NH3 का ये था, अब ये 1 मोल के लिए था, इसलिए इधर NH3 के सामने में 1 ही रखना है,
अब इधर मुझे एन एस थ्री वन रखना, मतलब वन मोल रखना है, इसलिए मैंने देखा आपको मालूम है डाटा इतना कैसे बनाते हैं, एन एस थ्री का तो एन टू लेना पड़ेगा और एच टू लेना पड़ेगा। अब इधर सिंगल वन रखना है तो उसको मैंने वन बाय टू कर दिया ताकि टू से टू कट जाए तो सिंगल एन बचेगा। एच थ्री रखना है तो थ्री बाय टू कर दिया तो टू से टू कट गया तो थ्री एच रहेगा। इस तरह से उसको डाटा इक्वेशन मैंने बनाया है, बराबर है। तो यहाँ पे एन एम थ्री का बनाया, यहाँ पे एन टू और एच टू, ठीक है। सिंगल रखना तो वन बाय टू थ्री बाय टू लेना पड़ेगा, ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एच एफ का डाटा इक्वेशन बनाया मैंने फॉर्मेशन का, यहाँ पे एच टू और एफ टू, तो आपको सिंगल सिंगल रखना है तो वन बाय टू कर दो, ये हो जाएगा। इस तरह से मैंने डाटा इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अब डाटा इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूंगा एस ब्लॉक के थ्रू ताकि मास्टर रिएक्शन आ जाए और फिर इसको मैं सॉल्व कर सकूँ इधर, ठीक है। तो देखो इधर एन एस थ्री चाहिए, जिधर चाहिए बेटा उसके अपोजिट साइड में है मास्टर रिएक्शन के, मैंने उसको रिवर्स कर दिया, लिख दिया, यहाँ का साइन चेंज हो गया इसके एंथैल्पी का। इक्वेशन नंबर टू में एन एफ थ्री जिस साइड में चाहिए बेटा उसी साइड में है, उसको एज इट इज लिखा। उसके बाद में एच एफ जो जिस साइड में बेटा उसी साइड में है उसको भी एज इट इज लिखा, लेकिन बेटा यहाँ पे थ्री चाहिए इसलिए मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में डाटा इक्वेशन को ये हाफ एन टू से हाफ एन टू कैंसिल कर दो, फिर थ्री बाय टू एस टू से थ्री बाय टू एस टू कैंसिल कर दो, अभी थ्री बाय टू मतलब वन पॉइंट फाइव मतलब कितना हो गया थ्री, थ्री एफ टू, इस तरह से उसको ऐड कर दो पूरा आ गया मास्टर इक्वेशंस, उसी हिसाब से ये एंथैल्पी उसको ऐड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आता है आंसर? बी आता है, बहुत सिंपल है, ऐड करना है बस। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 130, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 130 जो है इसमें भी देखो, देखिए बेटा सेम है, इसको भी आप हैस लॉ के थ्रू जैसा मैंने इसको सॉल्व किया ना 129 को सेम इससे कॉस सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे दूसरी मेथड अपनाई कि अगर ऐसे फॉर्मेशन एंथैल्पीज दी रही तो आप इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर देखिए फिर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, मैंने फॉर्मेशन एंथैल्पी और बाकी जो भी फॉर्मेशन एंथैल्पी थी उसकी किसी की भी इक्वेशन नहीं लिखी है मैंने, इक्वेशन किसके लिखी बेटा जिसका उसने पूछा है। तो ये तो कंबसन लिखा था, कंबसन एंथैल्पी पूछा है इसकी, तो उसके मैंने कंबसन रिएक्शंस लिखी है क्योंकि रिएक्शन तो लिखना पड़ेगा जब इस रिएक्शन जब इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे तो, बराबर है। तो मास्टर रिएक्शन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो मास्टर रिएक्शन लिख दिया मैंने, तो ये देखो ये कंपाउंड दिया है सी एट एच ए, कंबसन बोलो तो ओ टू के साथ, तो आपको मालूम है किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करने के बाद क्या मिलता है सी ओ टू और एच टू, ठीक है ना। फिर उसको मैंने बैलेंस किया, बराबर है। फिर ये फार्मूला लिखा, सभी की फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है, इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है, इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है, इसकी तीनों की दी है बेटा, है कि नहीं, बहुत इजी से लग सकता है यहाँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी अगर देखिए ना, यहाँ पे तो इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है, इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है, इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है, अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इधर करना चाहे तो आंसर सेम आएगा, बस इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं दी है आपको मालूम है तो एलिमेंट है, इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या लेंगे आप जीरो लेंगे, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, थोड़ा इजी पड़ता है और जल्दी हो जाता है। तो देखो इधर प्रोडक्ट की एंथैल्पी, अब प्रोडक्ट में CO2 और H2O है तो CO2 की एंथैल्पी कितनी दी -394, उसको मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा इससे। H2O की एंथैल्पी कितनी दी -286, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 9, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, ठीक है ना। अब इसके एंथैल्पी जो C8H8 की एंथैल्पी कितनी दी बेटा -250, तो ये लिख रहा -250, माइनस माइनस प्लस सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आता है सी, वेरी इजी। चलो अभी दो जो क्वेश्चन है 134 137, ये थोड़ा सा बड़ा अलग पैटर्न का है, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिया है, एक मास्टर रिएक्शन दी है उसके एंथैल्पी दी है, और आपको ये जो है जिसके लिए रिएक्शन दिए बेटा वही कंपाउंड दिया है यहाँ पे, लेकिन उसका वेट दिया है और इतने वेट के लिए कितने एंथैल्पी रिलीज होगी ये पूछा है आपको, ठीक है ना, ठीक है, बराबर। कितने एंथैल्पी रिलीज होगी ये पूछा है आपको, बराबर है। अब इस केस में क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे आप देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर रहा कि एक इक्वेशन दिया है उसके एंथैल्पी दिया है और जो जिसकी जिसके लिए इक्वेशन दिया है वही कंपाउंड के लिए वेट दिया हुआ है और उसके एंथैल्पी पूछा हम लोग, तो इस केस में आप क्या करेंगे, बराबर है। आप क्या करेंगे, जो कंपाउंड यहाँ पे दिया है मेन इक्वेशन में जिसके लिए एंथैल्पी दी हुई है उस एंथैल्पी को उस कंपाउंड को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए मैंने उसको नीचे लिख लिया है 2C4H10, उसको ग्राम में कन्वर्ट किया। तो ग्राम में कन्वर्ट कैसे करते हैं बेटा, इसका एटॉमिक मास 12, इसका एटॉमिक मास 1, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते करते उसको बराबर ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 116 ग्राम अगर ये कंपाउंड है इतनी एंथैल्पी रिलीज होती है, तो मैंने वही लिखा 116 ग्राम अगर ये कंपाउंड है इतनी एंथैल्पी रिलीज हो रही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5.8 ग्राम अगर रहा तो क्या, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 116, सॉल्व करेंगे तो बेटा आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
ठीक है ना। अब आंसर जो यहाँ पे देखो, एनर्जी रिलीज हो रही है, एक कंबस्शन रिएक्शन है, रिलीज हो रही है, एनर्जी आंसर तो माइनस में आया है। लेकिन बेटा क्वेश्चन जो दिया है ना, मतलब ऑप्शन जो दिया है उसमें माइनस में ऑप्शन नहीं है, और माइनस में ऑप्शन नहीं है इसका मतलब आपको प्लस वाला ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर माइनस वाला ऑप्शन दिया रहता है माइनस वाले ऑप्शन को मार्क करते हैं। एनर्जी रिलीज पूछा है उसमें, ठीक है, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, सिर्फ रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। बेसिकली एनर्जी का जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 287। तो क्वांटिटी के रेफरेंस में आंसर रहेगा 287, ठीक है ना। हाँ, लेकिन साइन के साथ अगर दिया होता तो माइनस भी लिखना पड़ता, ठीक है। हम आंसर कौन सा टिक करेंगे बेटा, इसमें बी टिक करेंगे। उसके बाद में बेटा ये आखिरी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे NH3 की फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है, कितने दिए बेटा, -46। और आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें NH3 का ही इक्वेशन है, लेकिन ये NH3 का जो इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन है डीकम्पोजिशन का, मतलब ब्रेकअप हो रहा है इसमें NH3 का, ठीक है, डीकम्पोजिशन, मतलब NH3 का ब्रेकअप होकर क्या बन रहा है इसमें, N2 और H2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आता है बेटा। ये फॉर्मेशन एंथैल्पी है और ये इसकी ब्रेकअप वाली मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो जो फॉर्मेशन एंथैल्पी रहती है वही एंथैल्पी को रिवर्स कर दो तो उसकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंथैल्पी हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे फॉर 1 मोल NH3, बराबर है, तो ये जो है डीकम्पोजिशन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी 1 मोल के लिए क्या हो जाएगी बेटा, डिकम्पोजिशन एंथैल्पी हो जाएगी +46 kJ/mol, है ना। फॉर्मेशन एंथैल्पी तो उसी का ब्रेकअप कर रहे, तो वही एंथैल्पी, ठीक है ना। एंथैल्पी का अमाउंट सेम रहता है, बस साइन चेंज रहेगा। अभी ये फॉर्मेशन है तो निगेटिव रहेगी, रिलीज होती है, जब उसका डिकम्पोजिशन होगा तो हमें एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी, मतलब सप्लाई करनी पड़ेगी उतनी एनर्जी, एनर्जी उतनी ही रहेगी, बस साइन चेंज रहेगा। अब ये क्या था, ये 1 मोल के लिए था, यहाँ पे क्या पूछा है बेटा आपको, 2 मोल के लिए पूछा है, ठीक है ना। फॉर 2 मोल NH3, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा +46 × 2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बेटा 92, ये आ जाएगा अपना 92 kJ। अब इसमें पर मोल मत लिखना, क्योंकि ये 2 मोल के लिए, बराबर है, 92। तो आंसर जो बेटा जो दिया है आपके इसमें 92, ठीक है ना, वो आ रहा है सी आंसर, ठीक है। प्लस और माइनस दोनों दिया बेटा, ध्यान रखना डीकम्पोजिशन है तो एनर्जी क्या होती है, यूज होती, कंज्यूम होती है, तो प्लस में रहेगा आंसर। तो इस केस में आंसर क्या लेंगे आप, सी +92, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा ये असाइनमेंट शीट के जितने भी डाउट्स थे बेटा वो क्लियर हो गए हैं, जरा उसको ठीक है ना अच्छे से कॉपी में लिख लिख के सॉल्व करो, ठीक है ना, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। थैंक यू।